बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी सी वाइटी फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो आपको मैं डिज़ाइन दिखा रही हूँ बहुत ही सिंपल हैं। आप डेली वेयर के डिज़ाइन उनको कह सकते हैं, या रोज़ाना जो हम ड्रेसेस वेयर करते हैं ना, रोज़ाना के लिए जो हमें चाहिए होते हैं घर पे ड्रेसेस, ये वो ड्रेसेस हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही खूबसूरत बने हैं, सिंपल भी हैं और स्टाइलिश भी हैं। हर एक ड्रेस में आपको एक डिफरेंट स्टाइल मिलेगा इसमें जो मैं आज आपको दिखा रही हूँ, और जल्दी जल्दी देखेंगे और बहुत सारे देखेंगे क्योंकि हर एक ड्रेस में ना कुछ डिफरेंट किया हुआ है मैंने। सबसे पहले ये देखें, ये निशात का खद्दर का टू पीस है जो कि न्यू कलेक्शन से मैंने बाय किया था, प्रिंटेड है। अच्छा, इसके नेकलाइन शेरवानी कॉलर बनी है, आप ये देख लें, और इसके दोनों तरफ प्लेट्स डली हुई हैं, ये देखें, जो कि पूरे आती हैं, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। और सेंटर में बटन है, बहुत सिंपल से बटन लगे हैं, यानी कि इजी टू कैरी भी हो, इजी टू वॉश भी हो। ये इस तरह की प्लेट्स हैं दोनों साइड्स पे। ये जो आपको बटन पट्टी नज़र आ रही है शेरवानी के साथ, इसके दोनों तरफ ये वाली प्लेट्स हैं, और ये जहाँ तक हमारी ये नेक लाइन है वहाँ तक ही प्लेट्स हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी स्लीव्स बनी है कफ स्टाइल में, जैसे कि जेंट्स वाली शर्ट्स पे होती है ना, जेंट्स वाली शर्ट जेंट्स की शर्ट पे होती है, वो वाला कॉलर का, वो वाला कफ का स्टाइल है। अच्छा, इसके बाद, अच्छा ये चौक के साथ बनी है, 38 इसकी लेंथ है। आपको पता है जो कैजुअल होते हैं वो बहुत लॉन्ग तो वैसे ही कैरे नहीं होते, अच्छे भी नहीं लगते, तो ये बने हैं नॉर्मल लेंथ में, 38-40, ठीक है। अच्छा, इसमें ये रिक्वायरमेंट है इसलिए यहाँ पे आपको स्लिप नजर आएगी, अदरवाइज खद्दर पे लगती नहीं है। ये इसका ट्राउजर है, प्रिंटेड था तो हमने प्लेन रखा है इसको, ठीक है। ये देख लें, ये हल्का सा नीचे से जाके ए लाइन हो जाता है क्योंकि वो जो प्लेट्स हैं उसकी वजह से थोड़ा से जो गैदर्स आ रही है ना, वो उससे जो प्लेट्स डाली हैं उससे फील हो रही है, ठीक है। और ये जेप, और ये आपको ये जहाँ फिटिंग वाली ये प्लेट्स नजर आ रही हैं, ये सब हम रिक्वायरमेंट थी तो हमने बनाई है। अच्छा जी, जल्दी से दूसरा देख लेते हैं। सेकेंड है ये भी निशात लेलन का है, खद्दर का टू पीस है, बहुत खूबसूरत प्रिंट है, ये कैरेट रेड वाला कलर है इसके अंदर, और इसके अंदर काफ़ी सारे आपको और भी कलर नजर आएंगे। अच्छा, इसमें भी ये किया है कि शेरवानी कॉलर है, बटन बहुत खूबसूरत से लगाए हैं हमने, और सेकेंड हमने इसके बॉर्डर को यूज़ किया है। बॉर्डर को कैसे यूज़ किया है ये आप देख रहे हैं। नॉर्मली हम स्लीव्स और दामन पे सिंपल सा लगा लेते हैं, लेकिन इस पे हमने डिफरेंट लगाया है, इसके हमने लेंथ वाली साइड पे बॉर्डर लगाया है ऐसे, ये ठीक है, पूरी लेंथ में आता है स्लीव से स्टार्ट होके इस तरह से। अच्छा, बॉर्डर जितना अगर ज्यादा हो तो आप बैक साइड पे भी लगा सकते हैं। मेरा एक लास्ट ईयर मैंने ड्रेस बनाया था, वो आप सबने बहुत पसंद किया था, उसमें यही था कि मैंने इस तरह से बॉर्डर्स का यूज़ किया था कि बहुत खूबसूरत ड्रेस लगता था, तो ये मैंने उसी तरह से बनाने की कोशिश की है। स्लीव्स पे भी ये देखें, हमने फ्रंट पे नहीं लगाया जो नॉर्मली हम लगाते हैं, हमने इसकी लेंथ साइड पे लगाया है ऊपर, ये देखें। अब जब इसको वेयर करेंगे कितना खूबसूरत लगेगा, कोई लेसेस नहीं मिलेंगी आज जो मैं दिखा रही हूँ, हार्डली शायद एक आध ड्रेसेस में हो, बहुत ज़्यादा हैवी बटन नहीं होंगे, लेसेस नहीं होंगी, टू मच कोई कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि डेली वेयर वाले कपड़े हैं, कैजुअल वाले हैं, और वो हमें बहुत सिंपल और कंफर्टेबल चाहिए होते हैं ना, ये देखें, ताकि हम जो डेली वेयर के अपने घर के काम कर रहे हैं वो भी आसानी से कर लें, और कोई हम वो क्या बोलते हैं ताम झाम ना हो कपड़ों में। अच्छा, ट्राउजर है इसके साथ, उस पर हमने लिप्स लग बना दिए थे, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है ये, अच्छा ये भी निशात लेलन का है, और इस पर भी शेरवानी कॉलर के साथ ये फ्रंट ओपन शर्ट बनाई है हमने। इस पर जो बटन बने हैं वो फैब्रिक के ही बने हैं, और फैब्रिक हमने लिया था ट्राउजर वाला, ठीक है। ये आप देखें, पाइपिन है, फिर बटन है, और ये इसकी स्लेट यहाँ से ओपन है, और हमने ये जो रोजेज वाला जो कलर है ना, यही हमने फिनिशिंग में पाइपिन में लुप्स में दिया है, ये चेक कर लें आप। स्लीव्स पे बॉर्डर है इस तरह से, और इसके घेरे पे भी, दामन पे भी सारा, और लास्ट में जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है ये ट्राउजर वाला फैब्रिक हमने ऐड किया है, और ये इसकी फिनिशिंग है, और ये इसका ट्राउजर, ये हमने दामन पे भी लास्ट में रखा है फैब्रिक, वो जो फिनिशिंग नजर आ रही है ना, इसी ट्राउजर से के कपड़े से हुई है, ठीक है। ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, सबकी लेंथ तकरीबन 38 ही है, ठीक है जी। स्लीव्स पे भी आ गई है,
बॉर्डर के बाद। अच्छा जी नेक्स्ट ये है, ये भी निषाद का है। अच्छा ये लॉन है, इस पे हमने शर्ट कॉलर बनाई है जैसे जेंट्स की होती है, और ये पूरा फ्रंट ओपन है। बटन देख लें, सिंपल से बटन लगे हुए हैं, ये पूरी ओपन हो जाती है, और ये यहाँ पे स्लिट है, ठीक है इस तरह से, ये देखें। अच्छा इस पे चॉप नहीं है, इसको थोड़ा ए लाइन रखा है, इसका थोड़ा घेर रखा है हमने। पैनल भी दिए हैं जो कि प्रिंट ऐसा है आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन इसमें पैनल भी हैं इसके घेर के लिए, ये देखें। इसमें चॉप नहीं है इसीलिए इसका घेर रखा है थोड़ा ज्यादा, ताकि उठने बैठने में ज़रा कंफर्टेबल रहता है। और ये इसकी स्लीव्स हैं जिसमें फैब्रिक लगा के हमने आगे जो पाइपिंग लगाई है हाफ इंच की, सेम फैब्रिक सेम कपड़े से बटन के साथ, और थोड़ी सी गैदर्स हैं, ये इसका कट है, ये देखें। आज की वीडियो में ना आपको डिफरेंट कट्स नज़र आएंगे, लेसेस और बटन्स और कोई और चीज़ नहीं, डिफरेंट कट्स में हमने बनाए हैं। ये सेम इसका ट्राउज़र है, ठीक है, बहुत खूबसूरत लग रहा था ये भी, और मैं डेफिनेटली फाबिया के लिए ज़रूर बनवाऊंगी ये स्टाइल, बच्चियों को बहुत अच्छा लगेगा, ये आप देख लें। अच्छा लाइनिंग, अगर आप देख के हैरान हो रहे होंगे कि लाइनिंग क्यों है, तो जी ये रिक्वायरमेंट है, जिनके ये कपड़े हैं वो लगवाती हैं ट्राउज़र में भी और शर्ट में भी, ठीक है, तो ये लाइन की रिक्वायरमेंट पर लगी है, ज़रूर ऐसा नहीं है कि आप लोग भी लगाएंगे, कपड़े पर ज़रूरत नहीं है कि लॉन या खद्दर पर आप लगाएँ, ठीक है। इसके बाद ये है, ये भी टू पीस है, और ये आपने देखा था मैंने बनाया था इसको एक गैदर्स वाले स्टाइल में, और ये बिल्कुल टोटली ये वाला जो है ना डिफरेंट स्टाइल में बनाया, ये राउंड दामन के साथ बना है जिसको गोल दामन, ये देखें, और सेंटर में फैब्रिक की डिटेलिंग है, ये देखें स्लीव्स पे भी, स्लीव्स पे डबल आ गई है, और शर्ट पे नेकलाइन और पूरे सामने फ्रंट पे। अच्छा ट्राउज़र पे ये किया है कि वही फैब्रिक की डिटेलिंग हमने ट्राउज़र पे की है, लेकिन पूरी लेंथ में की है, और इसके पाइंचे या बॉटम जिसको हम कहेंगे उस पर भी, ये आप देख लें ऐसे, और ये पूरी लेंथ में आती है, ये स्टाइल है, ठीक है। ये पहले हमने बिल्कुल डिफरेंट बनाया था, और अब ये टोटली डिफरेंट बना है, गोल दामन के साथ सिंपल सा फैब्रिक की डिटेलिंग के साथ। सारे ही ड्रेसेस बहुत स्टाइलिश और खूबसूरत लग रहे हैं, और उतने ही कंफर्टेबल भी होंगे आपको रोजाना पहनने में। इसके बाद है जी ये, अच्छा ये भी निषाद लीलन का टू पीस, इसमें एम्ब्रॉयडर्ड नेकलाइन थी, इसमें हमने शेरवानी कॉलर दिया है, और अच्छा नेकलाइन कुछ इस तरह से, क्योंकि विंटर है तो विंटर में अच्छी लगती है ये वाली ना नेकलाइन, और स्लीव थोड़ी बहुत ज़्यादा खुली नहीं अच्छी लगती विंटर में इसलिए। अच्छा इसमें हमने क्या किया है कि ये देखें, हमने दोनों साइड पे चॉक्स पे और ये पूरी लेंथ साइड पे फैब्रिक जा रहा है, और ये फैब्रिक ट्राउज़र वाला हमने यूज़ किया है, ठीक है, ये वाला ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है ऐसे, सही। इसके बाद यहाँ पे भी ये बॉर्डर है, और स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड थी तो हमने स्लीव्स पे ये एम्ब्रॉयडरी पैच अटैच कर दिया, और बाकी सारी डिटेलिंग हमने फैब्रिक वाले फैब्रिक ट्राउजर वाले फैब्रिक से की है, ठीक हो गया, ये देख लें। तो ये बैक से भी कुछ ऐसे लगेगा, आप इसमें जिस तरह से मैंने फैब्रिक यूज किया है, और आपके पास अगर ज्यादा बॉर्डर के साथ अगर कुछ है फैब्रिक, तो आप बॉर्डर भी सेम एज इट इज यूज कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, ये क्रिएटिविटी है, आप जो भी आप चाहें करें। नेक्स्ट ये है, ये भी टू पीस था, निषाद का है, खद्दर फैब्रिक है, इस पे भी आप नेक लाइन देख लें, इसमें हमने बटन लगाए हैं, और इसके स्लीव्स बनी हैं कुछ इस तरह से कफ स्टाइल में, दोनों साइड पे लेस हैं, लूप्स के साथ बटन है, और थोड़ी सी यहाँ पे हमने कुछ गैदर्स डाली हैं, कफ स्टाइल जो स्लीव्स होती हैं ये वो है। चौक पे लेस नजर आएगी आपको, और ये जो ग्रीन, अच्छा ये कुछ ज़्यादा डार्क ग्रीन आ रहा है, इतना नहीं है, जो कलर आ रहा है शर्ट में उसकी हमने फिनिशिंग दी है। अच्छा इसके साथ मैंने दुपट्टा भी बनाया है, इनको दुपट्टा भी चाहिए था, बहुत लाइट सा इसके साथ, ये इसका प्रिंटेड ट्राउजर है, तो दुपट्टा हमने शिफोन का लिया है, और उसके ऊपर हमने जी कर दी है डिटेलिंग कुछ ऐसे, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, वो इसलिए कि ये शिफोन का दुपट्टा हमने लिया ऑफ वाइट कलर में, और उसके साथ हमने लेस लगाई है, और जो शर्ट वाला फैब्रिक था ना उसकी डिटेलिंग की है फोर साइड पे, और लेस हमने अंदर वाली साइड पे लगाई है, ये देखें फैब्रिक है, और फिर अंदर, ठीक हो जाओ भाई, ये देख लें ऐसे 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 ऐसे, ये ठीक है, अंदर की साइड पे लेस लगी हुई है, तो ये हो गया इसका जो खूबसूरत सा दुपट्टा,
ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, सारे ही डिजाइन आप देखें डिफरेंट हैं, खूबसूरत हैं, सिंपल हैं, स्टाइलिश हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये फॉरएवर नेक लाइन में हमेशा ही बहुत अच्छी लगती है, डबल लेस के साथ जो बनती है, ओवरलैप नेक लाइन है। और इसमें हमने पैनल दिए हैं, वो दिए हैं पाइपिंग से, जो आपको फ्लावर का यह कलर नजर आ रहा है वही फैब्रिक यूज करके हमने पाइपिंग दी है, फिनिशिंग दी है इसमें चौकस पे, दामन पे, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश फ्रेश सा। इसका दुपट्टा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है जो हमने बनाया है, और इसका ट्राउजर को देना ये मैं। देखें ऐसे ऐसे कुछ लुक आएगी इसकी। विंटर में सिंपल ड्रेसेस बहुत कंफर्टेबल और अच्छे लगते हैं। और ये इसका ट्राउजर है जी, प्रिंटेड ट्राउजर है। अच्छा, इसका दुपट्टा भी ऐसे बनाया है कि डाई किया है यही कलर में, बहुत खूबसूरत सा ब्लू कलर। और इसका भी हमने लेस लगाई है, और चारों तरफ हमने शर्ट वाला फैब्रिक लगा दिया है, और लेस देख लें आपने बहुत बारीक सी मैंने लगाई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। इसका दुपट्टा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ये देखें। तो ये थी आज की खूबसूरत से ड्रेसेस, बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्टाइलिश बने हुए। कैसे लगे जरूर मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।